नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका जीरो टू जेड, आपका अपना इंग्लिश चैनल। और देखिए, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं कि व्हाइल कॉन्वर्सिएटिंग और व्हाइल वी आर इन द कॉन्वर्सेशन विद समवन एंड वी मेक अ स्टेटमेंट एंड वॉन्ट हिज कॉन्फर्मेशन ऑन इट, देन वी एड अ क्वेश्चन टैग टू इट। जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी व्यक्ति से और अपनी किसी बात या अपनी किसी स्टेटमेंट के लिए उस व्यक्ति से कॉन्फर्मेशन चाहते हैं कि हाँ या ना, ऐसा है कि नहीं, राजेश के पास दो छाते हैं क्या नहीं है, राजेश के पास एक रुपया नहीं है आज की डेट में क्या है, तो देखिए लास्ट में जो छोटा सा क्वेश्चन जोड़ते हैं उसे क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, राजन के पास एक रेन कोट है क्या नहीं है, तो दिस इज द क्वेश्चन टैग, राइट। अब देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है कि व्हेन दिस स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव देन क्वेश्चन टैग इज इन नेगेटिव, व्हेन दिस स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव देन क्वेश्चन टैग कम्स इन पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। लेकिन ये क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर वन यानी क्या से शुरू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी और वही हेल्पिंग वर्ब आएगी जो इस सेंटेंस इस स्टेटमेंट में आती है। जैसे राजन हैज अ रेन कोट, राइट, ये है स्टेटमेंट। क्या नहीं है, क्या उसके पास नहीं है, राजन के पास एक रेन कोट है क्या नहीं है उसके पास, तो हैजंट ही, हैज नॉट ही, हैजंट ही, ये है क्वेश्चन टैग। अब देखिए नॉट, हैज और नॉट को मिक्स कर दिया तो हैजंट बन गया, जब इनको हम कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं हैज और नॉट का तो हैजंट बनता है। जैसे विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये होगा W O N apostrophe T, वॉन्ट, अंडरस्टैंड। जैसे यू विल purchase, you will purchase a blanket today, you will purchase a blanket today, आप आज एक ब्लैंकेट खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे, will you not या won't you, W O N apostrophe T, Won't you, ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, विल यू नॉट, अगर हम इनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, विल और नॉट का हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, नॉट लास्ट में जाएगा, इसमें भी ऐसे, इसमें हैज ही नॉट तो हैजंट ही, वॉन्ट ही, वॉन्ट यू या विल यू नॉट, तो हम मैक्सिमम इसको अप्रूव करते हैं कॉन्ट्रैक्शन वाले को, hasn't he, won't you, understand? सिंपल जानकारी चाहिए, सिंपल सी जानकारी चाहिए कि when statement is in present tense we use negative question tag, when statement is in in affirmative, in negative then we use affirmative यानी positive question tag। अब देखिए positive question tag कैसे use करेंगे हम, that is also very simple, ये छोटी सी चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्टली आप लोग यूज कर लेते हैं इसको। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, राजन के पास रेनकोट नहीं है, तो देखिए राजन डज नॉट हैव अ रेनकोट, राजन डज नॉट हैव अ रेनकोट, राजन के पास एक रेनकोट नहीं है क्या है उसके पास, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डज आ रहा है। अब देखिए डी ओ ई एस एन अपोस्ट्रोफी टी, अब ये है नेगेटिव सेंटेंस तो यहां आएगा अफर्मेटिव, डी ओ ई एस डज ही क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में आ गया, तो स्टेटमेंट अगर नेगेटिव में है तो ये अफर्मेटिव में आएगा। जैसे She will not help them at
एनी कॉस्ट, वो किसी भी हालत में उनकी मदद नहीं करेगी। नेगेटिव है तो इसका अफर्मेटिव बनेगा, क्या करेगी? विल शी, ओके, विल शी। अब अगर आ जाए शी विल हेल्प देम एट एनी कॉस्ट, तो आ जाएगा वॉन्ट शी, वॉन्ट शी। अब अगर ये अफर्मेटिव होता तो ये आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए आएगा विल शी, राइट। तो एक चीज आप बेसिक समझ जाओ कि स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, ओके, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होगा। और इसका कॉमन रूल, अब देखिए, इफ स्टेटमेंट इज इन अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, जब पॉजिटिव टेंस में स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? व्हेन स्टेटमेंट इज, व्हेन स्टेटमेंट इन पॉजिटिव, ओके। तो देखिए स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, ओके। और इसका रूल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए नॉट में क्या होता है, इसका एन ऑपोस्ट्रोफी टी जुड़ जाता है हेल्पिंग वर्ब में, जैसे इज है तो एन ऑपोस्ट्रोफी टी, इजंट शी, ओके। डज है तो एन ऑपोस्ट्रोफी टी, डजंट शी। डू है तो एन ऑपोस्ट्रोफी टी, डोंट यू, क्योंकि डू डज, डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके। तो ये क्वेश्चन टैग समझना जरूरी है। विल नॉट, इसका हो जाता है डब्ल्यू ओ एन ऑपोस्ट्रोफी टी, वॉन्ट, एस एच ए एल एल, नॉट, ये हो जाएगा एस एच ए एल एल एन ऑपोस्ट्रोफी टी, शैलन, राइट, एच ए एस एन ऑपोस्ट्रोफी टी, हैजंट, एच ए वी ई एन ऑपोस्ट्रोफी टी, हैवंट, ओके, डी आई डी एन ऑपोस्ट्रोफी टी, डिंट, एच ए डी एन टी, हैडंट, राइट। यही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इनके साथ इस तरह से नॉट जुड़ जाता है। और ये नेगेटिव में क्वेश्चन टैग कब आएगा? व्हेन स्टेटमेंट इज इन पॉजिटिव स्टेटमेंट, ओके। ये चीजें आपको याद रखनी है, रूल मैंने बता दिया है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ हेल्पिंग वर्ब और नॉट आ जाएगा, जैसे हैजंट, हैडंट, डिंट, वॉन्ट, शैलंट, ओके, वॉजंट, वरंट, इस तरह से आएगा। जैसे यू आर प्लेइंग विद योर एनिमी, आप अपने दुश्मन के साथ खेल रहे थे, क्या नहीं खेल रहे थे? तो देखिए हेल्पिंग वर्ब है ये, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, हमने इसका रूल क्या बताया था, इफ स्टेटमेंट इज इन पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग कम्स इन नेगेटिव, और रूल क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वर हो गई और नॉट आएगा, तो वर और नॉट, वर और नॉट मिक्स होके बनते हैं डब्ल्यू ई आर ई एन ऑपोस्ट्रोफी टी, ये आ जाता है, राइट। तो डब्ल्यू ई आर ई एन ऑपोस्ट्रोफी टी, वरंट यू, राइट, क्वेश्चन टैग। दे कुड, दे कुड प्रिपेयर
4 exams in one day. वो एक दिन में एग्जाम्स की तैयारी कर सकते थे. They could prepare for exams in one day. क्या नहीं कर सकते थे? Helping verb. COULD could an apostrophe T. Couldn't they? Question tag. Right? You can help me. You can help me. Can't you? C-A-N apostrophe T. Can't you? ये हो गया question tag. इस तरह से question tags लगते हैं. If statement is in affirmative, then question tags are in negative. Now we talk about if statement is in negative, then question tags always come in positive. Okay? Simple use. Very simple. बहुत छोटी चीज है. आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है. तरीके हम बता रहे हैं आपको. नाउ वी टॉक अबाउट व्हेन स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव. व्हेन स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव देन क्वेश्चन टैग्स आर इन पॉजिटिव. देन क्वेश्चन टैग्स आर इन पॉजिटिव. यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. पहले क्या होता था? हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस सब्जेक्ट. अभी नॉट हट गया. तो देखिए, रवि डिड नॉट ईट माय लंच. रवि ने मेरा लंच नहीं खाया. पास्ट इंडेफिनिट. डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. रवि ने मेरा लंच नहीं खाया. क्या खाया? दैट मींस पॉजिटिव बनेगा लेकिन इंटरोगेटिव रहेगा. क्वेश्चन टैग बनेगा. हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखिए रूल बताया. हेल्पिंग वर्ब डिड. फिर सब्जेक्ट क्या है? रवि. रवि को हम ही बोलेंगे. डिड ही. बन गया क्वेश्चन टैग. तो व्हेन स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव द क्वेश्चन टैग ऑलवेज रिमेन्स इन अफर्मेटिव. रवि डिड नॉट ईट माई लंच. डिड ही. ओके. नेक्स्ट. आई डू नॉट टीज एनिमल्स. मैं जानवरों को नहीं चिढ़ाता. मैं जानवरों को नहीं सताता. क्या सताता हूं? नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा. हेल्पिंग वर्ब डू. डू आई? वेरी सिंपल. डू आई? तो दीज वर दी क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट आंसर्स. व्हेन स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव देन क्वेश्चन टैग्स आर इन पॉजिटिव. व्हेन स्टेटमेंट्स आर इन पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग्स आर इन नेगेटिव. सो दीज वर दी वेरी सिंपल थिंग्स. एंड अब देखिए शॉर्ट आंसर्स की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ये क्वेश्चन टैग्स की बात थी जो बहुत ईजी थी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो. रिक्वेस्ट है प्लीज व्यू करें और सब्सक्राइब भी करें और हमें लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंचाएं. मोनेटाइजेशन होगा तो हम लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंचेंगे और बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच आपके बहुत बहुत सपोर्ट के लिए. हृदय से धन्यवाद. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.